विराट कोहली, आई लव यू सो मच। जब भी विराट कोहली की हटती है ना, सामने वाली टीम वालों की फटती है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम द गॉड इज विराट एंड विराट कोहली। जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ विराट कोहली खुद खड़े होते हैं, इसलिए लव है विराट कोहली से, आई लव विराट। तो जनाब विराट कोहली नाम तो आपने सुना होगा, और काम ये बंदा बार बार जो है दिखा चुका है, और आज फिर से विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की जो बैटिंग किया ना यार। एक तो वो इतना डैशिंग, इतना हैंडसम, इतना कूल है, और दूसरा ये कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और वो उससे भी ज़्यादा पुराना, बहुत उसका एक नाम है, एक पहचान बनाई है उसने, एक अच्छा बैट्समैन है वो, एक अच्छा प्लेयर है क्रिकेट का, और एक अच्छा हस्बैंड है, एक अच्छा फादर है। कोहली जितना फिट एथलीट नहीं है कोई, और उन्होंने इंडियन क्रिकेट को यहाँ से यहाँ ले गए हैं बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज। और बिल्कुल जिस तरह से हम कोशिश करते हैं ना कि ये क्रिकेट इस लिहाज से खेली जानी चाहिए, वो उस पैमाने पे पूरा उतरते हैं। जब हमने इस नाचीज बंदे ने कहा है कि आज कोहली का दिन होगा, तो उस कोहली का दिन आज हुआ है। इनिंग्स थी विराट कोहली के, बहुत सारे चमचे करचे, प्ला ब्लू ट्री, 20 बॉल, ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट है, बीसीसीआई इसको बाहर निकालो, निकालो बाहर, बुड्ढा है। ऐसी रनिंग अगर कोई 16 साल का लौंडा रिंकू सिंह, रिंकू सिंह हाथ पे थ्रो पे तो 100% देते हैं, वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ऑपोजिशन से, वो जितनी बड़ी ऑपोजिशन उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। और विराट कोहली ने वो जो बच्चे जो रो रहे थे ना कि कोहली का T20 करियर खत्म हो गया है भाई, कोहली की अब वापसी नहीं होगी, कोहली वर्ल्ड कप में नहीं होगा, IPL की परफॉर्मेंस देख के कोहली को जज किया जाएगा, उन सब के मुंह पे चुप्पी लगा दिया विराट कोहली ने। और आज अगर देखा जाए ना तो 24 करोड़ के मिचेल स्टार्क को विराट कोहली ने मार मार के उल्ली निकाल दिया भाई। आय हाय हाय, क्या कमाल का वो फ्लिक शॉट था भाई साहब। ओए होए, और विराट कोहली द किंग कोहली वंस अगेन, ही इज द हाईएस्ट रन स्कोरर, और बहुत ही लाजवाब वाली खेली है। थोड़ा सा और भी मतलब स्ट्राइक रेट पे थोड़ा और बेहतर हो जाता तो अच्छा था, बट नॉट बैड, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। पूरी जिम्मेदारी रन की अपने शोल्डर पे उठाई हुई है, ओपनर आया और आखिरी गेंद तक वो भी रन लेने के चक्कर में कि कोई ना कोई और इजाफा हो जाए, और इजाफा हो जाए, चार छक्के जो मारे हैं उसके साथ ही वो हाईएस्ट एवर जो RCB की तरफ से जो छक्के मारे हैं किसी प्लेयर को, तो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ के उससे आगे निकल गया जनाब विराट कोहली। विराट कोहली हैज बिकम द लीडिंग सिक्स हिटर फॉर RCB। ही डिजर्व्स अ लॉट मोर देन दिस, अ लॉट मोर देन दिस। विराट जो है ना वो क्रिकेटर नहीं है, ही इज एन इमोशन जो क्रिकेट का प्यार पैदा करता है आपके अंदर। वो कहते हैं ना एक हारमोन है विराट के नाम का, जो आपके अंदर क्रिकेट के लिए जज्बात पैदा करता है। मैंने क्रिकेट अगर मुझे पसंद आई है, अगर मैंने क्रिकेट को देखना शुरू किया है, दैट इज आई हैव ओनली वन रीजन विच इज विराट एंड विराट्स कवर ड्राइव। बजा दिया पकड़ के विराट कोहली ने। देखो दिनेश कार्तिक में भी आता हूँ, डीके भी आता हूँ मैं, दिनेश कार्तिक ने तो मैच को फिनिश किया ना, लेकिन एक बंदा था जिसने पूरा मैच ही बनाया, एक बंदा था जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक खेलता रहा, एक वो बंदा है जिसको कुछ घंटे के बच्चे कहते हैं आगे कि भाई वो तो T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से पंगा लेते हैं, इंग्लैंड से पंगा लेते हैं, पाकिस्तान से नहीं लेते, क्योंकि कल्चरली हम एक जैसे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये भी पता है उनको कि उनकी बाउंड्री लाइन क्या है। और फिर उसके बाद लाजो उनका जो सैंपल साइज है ना परफॉर्मेंस का, वो बाबर आजम से ज्यादा। सैंपल साइज से मुराद ये कि बाबर आजम ने अगर 100 मैच खेले हैं तो उन्होंने 400 मैच खेले। उसके बाद आखिरी ओवर में जो छक्का लगाया ना, स्टार्क को तो बकरी बना दिया भाई, सीधी सादी बात है। स्टार्क इतने सालों से नहीं IPL खेला था तो इसकी इज्जत बची हुई थी, लेकिन इस बार IPL में ये खेल रहा है, लेकिन हर मैच में जब ऐसी की तैसी, लास्ट मैच में 50 से ऊपर रन, इस मैच में अगर देखा जाए तो, फिर अगर देखा जाए तो इस मैच में भी जो आप बहुत ज्यादा पिटाई, 4 ओवर्स में 47 रन, कोई विकेट नहीं, यानी कि स्टार्क की ऐसी की तैसी फेर दिया है। और विराट कोहली जितनी तारीफ की जाए भाई इस बंदे की उतनी कम है। आज अगर देखें 59 बालों में 83 रन, 4 चौके, 4 छक्के, और क्या कमाल के शॉट्स विराट कोहली ने लगाए। वो वरुण चक्रवर्ती को जो शॉट लगाया था छक्का, फिर जो स्टार्क को पहले जो छक्का लगाया फ्लिक शॉट, कमाल का लाजवाब, ये जरा सकी और वो बाउंड्री से बाहर बॉल, और क्या उसके हाथ से 2 रन को बना ले मलका लाल, 35 साल का विराट कोहली छोड़े 16 साल का लौंडा बना दे, मैं क्रिकेट पे जर्नलिज्म पे किताब बंद करके चला जाऊंगा। हाँ भाई BCCI जो मशवरा दे रहा कि विराट कोहली वर्ल्ड कप है, तुम्हारा बाप ही अभी तो 3 मैच हुए हैं और देख ले कहाँ पहुंच गया, सिर्फ 3 इनिंगे हुई है, 3 इनिंगों में ये हाल है कि विराट वन मैन आर्मी है, दिस Royal Challengers Bangalore, it is not RR, it is not RCB, it is not this, that, it is only one man, and that man is Virat, the real king, Kohli. बॉल के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम है ना,
विराट इज द क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ क्रिकेट, और उसने जो है ना एक लेवल क्रिएट किया है क्रिकेट के अंदर। एक वो कहते हैं ना कि जिसको स्टार बोलते हैं ना रियल लाइफ में, ही इज अ सुपरस्टार। कसर ने पूछा कि पृथ्वी विराट ने बोला यार मुझे किंग ना बोला करो, मुझे बड़ा एम्बेरस फील होता है, ये उसका बड़ापन है, ये उसका बड़ापन है कि वो इतना कुछ अचीव कर लेने के बावजूद भी लोगों को कह रहा है मुझे किंग ना बोला करो, मुझे मेरे नाम विराट कोहली से पुकारा करो, ये उसका बड़ापन है। वो लेजेंड है, लेजेंड ये कहते, इसको कहते हैं लेजेंड, दुनिया उसको कहती है किंग, वो कहता है मैं किंग नहीं हूं मैं विराट कोहली हूं, मुझे विराट कोहली बोला करो, मुझे एम्बेरस फील होता है। और इधर छपरी, इधर कुछ छपरी घंटे अपने आप को कूल दिखाने के लिए कभी वो विराट कोहली की तरह अंदर से चेन निकाल के तो छूम रहे होते हैं कि मुझे लोग किंग बोल दें, कि लोग मुझे किंग बोल दें। उतर किंग एक ही है, उसका नाम है विराट किंग कोहली, वो है किंग, कैसे किंग, कैसे किंग, और जी से घंटा। आरसीबी की हिस्ट्री में क्रॉस कर गए भाई क्रिस गेल को। ओवरऑल डीके ने जो एंड पे परफॉर्मेंसेस दिखाई है ना, जो तीन छक्के मारे हैं उसकी वजह से रिस्पेक्टेबिलिटी जो है काफी अच्छी आई है। और स्टार्क को जो फ्लिक पे छक्के मारे कोहली ने, एक ये आखिरी ओवर में और एक पहले बीसी इनिंग में स्टार्क को जो छक्का मारा फ्लिक पे, बहुत ही खूबसूरत शॉट था वो, बिल्कुल इंतहाई खूबसूरत दिलकश दिलकश शॉट था वो, फ्लिक शॉट पे जो छक्का मारा स्टार्क। तो स्टार कह रहा है मैं किधर आ गया हूँ, किधर फंस गया हूँ, 25 करोड़ तो दिए हैं लेकिन बेइज्जती भी बड़ी हो रही है, बहुत मार पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो किंग कोहली ने दो उसको फ्लिक पे छक्के मारे हैं ऊपर नीचे, मतलब इसी नहीं है ही वाज फैंटास्टिक। डीके ने एंड पे जिस तरह की फिनिशिंग चाहिए थी वो दी है। और फिर जब आखिरी ओवर में साथ में डीके 8 बॉल है 20 रन और 250 का स्ट्राइक रेट, तीन जो है छक्के डीके ने लगाए, और स्टार्क के आखिरी ओवर में जो अच्छा खासा जो है रन्स पड़ गया, 20वें ओवर में 16 रन स्टार्क को पड़े हैं भाई, दो छक्के डबल और एक जो है सिंगल निकाला। और इस तरह से आरसीबी की टीम जो है वो एक अच्छे टोटल तक पहुंची है भाई, जो है 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पे 182 रन। और विराट कोहली का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कोहली की, कोई बॉलर छोड़ा नहीं है जिसको कोहली ने आज जो है मारा ना हो भाई। और लाजवाब किस्म की बैटिंग, लास्ट मैच में भी अकेले ही खेलते रहे और इस मैच में भी जो है मैक्सवेल भी आउट हो गए, डुप्लेसी भी आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली ने अकेले अपने दम पे जो है 182 तक जो है वो आरसीबी की टीम को पहुंचा दिया है और कमाल की जो है बैटिंग की। और दूसरी साइड अगर देखा जाए तो उनकी जानब से अंकुल राय ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर्स में 6 रन, और साथ में अगर देखा जाए तो अर्शित राणा ने जो है 40 रन खाए और मिचेल स्टार्क ने 47 रन, उसके बाद जो सुनील नारायण 4 ओवर्स में 40 रन, इनके किसी को भी नहीं बख्शा है। विराट कोहली किंग है भाई दुनिया का, उसने बता दिया, बार बार बता दिया, एक बार क्या इनके हर बार वो बंदा जो है अपने क्रिटिक्स को गलत साबित कर रहा है कि बेटा तुम अभी बच्चे हो मेरे, मुंह बंद करके बैठ जाओ, मैं जो कर रहा हूँ वो देखो। और आज फिर से विराट कोहली ने वही काम किया और अनबिलीवेबल जो है बैटिंग विराट कोहली की जानब से देखने को मिली है और मजा। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। विराट कोहली ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड, ये देख पाकिस्तानी लड़कियां विराट कोहली को अपना किंग बोल गई। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या विराट कोहली की फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया। विराट कोहली ने आज साबित कर दिया कि वाकई वो किंग है भाई, अकेला लड़ता रहा, ये देख के पाकिस्तानी मीडिया खुशी से पागल हो गई भी कि क्या खेलता है बंदा। एक लड़की ने तो वहाँ तक बोल दिया कि विराट कोहली मेरी किंग है, ने? मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया मज़ा आ गया। तो मैं ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। भारत माता की जय।